अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई लोग? आप लोग सब खैरियत से हैं? छोटी छोटी स्टोरी पहले दे देता हूँ, फिर अपने टॉपिक पे आऊंगा। कल इंडिया का मैच है दोबारा ऑस्ट्रेलिया से, और कल ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद ये मैच जीते। क्यों जीते? इस सीरीज को लाइव रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया कल बड़ी जान मारेगा। सबको पता है मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं वो लोग। कल देखते हैं किस तरह डिलीवर करते हैं। और दूसरी स्टोरी, हाइब्रिड मॉडल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। आज शोशांक छोड़ा गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी अब हाइब्रिड मॉडल की तरह होगी जैसे एशिया कप हुई थी। तो जरा सा इनसाइड स्टोरीज ले लेता हूँ। अभी आईसीसी का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। मुश्किल होगा हाइब्रिड मॉडल, अगर हुआ तो मुझे लगता है कि दुनिया की क्रिकेट जो है ना हिस्सों में बढ़ जाएगी। कल या परसों, कल तो मैच है, डिटेल लेके मैं इसमें भी बात करूंगा, क्योंकि हमारे जो अभी कमेटी के चेयरमैन है मिस्टर जका अशरफ साहब, वो जिस स्टेडियम में जाते ना वहां ढोल बजते हैं, शादी जिस तरह शादी में ढोल नहीं बजते। वहां जाने पे ढोल बजना है, उन्हें इस वक्त ढोल बजाने से फुर्सत ही नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरह लेके चलना है, किस तरह चलाना है, अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक हो रहे हैं अभी T20 टूर्नामेंट, 18 टीमें हैं। पहले जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई और सेकेंड 11 की 4D हुई थी, दो पूल बनाए हुए थे, अभी कंबाइंड कर दिए। चले अच्छी चीज है, ज्यादा टीमें खेलेंगी। लेकिन 8 टीमें 5-स्टार होटल में, 10 टीमें 3-स्टार होटल में। मेरे ख्याल है जो 3-स्टार होटल में टीमें ठहरी हुई उनका एक हाथ है, और जो फर्स्ट क्लास 8 टीमें जिन्होंने खेली थी फर्स्ट क्लास, जिसमें नामी गिरामी प्लेयर भी हैं, उनके शायद 4 हाथ हैं जो जो फर्स्ट क्लास में है। ऐसा नहीं होता है, सबको साथ लेके चलते हैं, क्रिकेट को बराबर लेके चलते हैं तो इम्प्रूवमेंट होती है। एक को इधर रखा हुआ है, एक को यहां रखा हुआ है, तो क्रिकेट इंप्रूव नहीं करती है जी। दोनों को अपना इमामुल हक को और राणा साहब को शादी मुबारक। दोनों को शादियां हो गई हैं, हमारी तरफ से बेस्ट विशेज है अल्लाह ताला उनकी फैमिली में और उनको कामयाब करे और खुशियां नसीब हो। ऑस्ट्रेलिया टूर पे टीम जा रही है, उस पर तो बाद में बात करनी है। अब आ जाता हूं मेन टॉपिक पे। आपके व्हाट्सएप पे भी सवाल आए हुए, व्हाट्सएप नंबर, आप लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप नंबर नहीं है, लिख लें कि व्हाट्सएप में हो सके तो एक सवाल भेजिएगा, स्पेशली सैटरडे और संडे। और जो बच्चे अपनी वीडियोस भेजते हैं अपनी क्रिकेट पे तो वो भी भेजिएगा। सवाल एक से ज्यादा होंगे तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन क्रिकेट पे इसमें जो जो हरियाणा के है ना, अगर उस शहर की वीडियो भेजना चाहें 1-2 मिनट के बना के, स्पेशली कपिल पाजी जहां पे रहते थे उस घर के बराबर में हमारे फादर का भी घर था, तो वो वीडियो जरूर भेजिएगा, हो सके तो वो मैं फिर इंशाल्लाह चलाऊंगा। आ जाता हूँ जी मेन टॉपिक पे। बातें हो रही है कि आईपीएल की ट्रेड हुई है, अपना हार्दिक मुंबई में चला गया है, वो एक अलग बात है। नामों से टीमें नहीं जीतती, कॉम्बिनेशन से जीतती है। पहली चीज कि रोहित शर्मा को और विराट कोहली को अब T20 से थैंक यू वेरी मच कर देना चाहिए। मैं तो समझता था हमारे मुल्क में लोग ऐसे हैं जो बातें करते हैं कि जी रिजवान ज्यादा अच्छा प्लेयर है बनिस्बत बाबर के, तो मैं बोलता पागल हो गए क्या, बाबर बाबर आजम है, चाहे रिजवान ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन कर दिए या हसन अली ने आउट कर दिए, तो शाहिनशाह अफरीदी की जगह हसन अली थोड़ी ले पाएगा। परफॉर्म अच्छा करा, अच्छा टूर्नामेंट गया, ये बात करने की होती है। अब बात ये हो रही है कि पांड्या, मेरी फर्स्ट चॉइस पांड्या कप्तान है T20 वर्ल्ड कप के लिए, अगर रोहित शर्मा एज ए प्लेयर खेल रहा है और अगर वो
कप्तानी के लिए सूटेबल है तो उसको ही कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा वो आदमी है जिसकी वजह से आपके जो अभी जो टीम फाइनल में पहुंची ना वर्ल्ड कप में, उसकी बहुत ज्यादा खिदमात है अपनी बैटिंग के हवाले से। जो उसने स्टार्ट दिया फ्लाइंग स्टार्ट जिसको बोलते हैं ना, एशिया कप से ले लें, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 354 करे थे गिल, और उसने स्टार्ट दिया था, फिनिश करा विराट कोहली ने और राहुल ने, तो जहन में वो रखे। विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा आपकी T20 की जो टीम वेस्ट इंडीज जाएगी ना अमेरिका, वो जीतेगी नहीं, ये तो आप, ये मैं साइन कर देता हूं, क्योंकि वहां की पिचेस डिफरेंट है, वहां पे बड़े नाम के साथ साथ परफॉर्मेंस भी चलती है। आप क्या समझते हैं कि आपको याद है बांग्लादेश का मैच जो हुआ था एशिया कप में, गिल ने 100 करा था, मैच का क्या बना था, आप हार गए थे। तो इसी तरह ये जहन में रखिएगा मेरे भाई, जो आप सवाल भेजते ना उन्हें मैं ये जवाब दे रहा हूं कि दुनिया के जितने भी कप्तान हैं या बॉलर्स हैं वो टारगेट करते हैं रोहित शर्मा को और विराट कोहली को। पाकिस्तान का जब मैच होता है तो विराट कोहली को रोहित शर्मा को टारगेट करते हैं, दूसरों को एडवांटेज मिल जाता है रन करने का, चाहे वो गिल हो चाहे अय्यर हो चाहे राहुल हो जो भी हो। अगर आप मुझसे बिंग बासित लिए सवाल करेंगे कि रोहित की और अपना विराट की जगह गिल आ गया अय्यर आ गया या राहुल आ गया, तो बेवकूफ मैं बेवकूफ नहीं हूं, आप लोग बेवकूफ है, क्योंकि वो मैच विनर थे हैं और अभी रहेंगे, उनकी जो बढ़िया फॉर्म चल रही है ना, बेकार चीज है ये बात करना। पता नहीं आपके देश में भी पाकिस्तान के मुझे लगता है कुछ लोग आ गए जो ये बेकार बातें करते हैं कि बाबर आजम को बाहर कर दो। कैसे कर दो यार, विराट कोहली के बगैर आपकी टीम बनती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या रोहित शर्मा के बगैर बनती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी अभी वर्ल्ड कप में, क्या बुमराह के या शामी के बगैर आपकी टीम बनती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी बॉलिंग ने तो बहुत बहुत जबरदस्त परफॉर्म करा है, एक मैच हार गए कोई बात नहीं, फाइनल ही हारे ना जो 10 मैच जीते। ये तो मैंने जो वीडियो देखी है आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की, नरेंद्र मोदी साहब की, उन्होंने भी शाबाशी दी है कि कोई बात नहीं 10 मैच जीते। तो मतलब लोग बोलते हैं जी वो टीम का ट्रॉफी लेके पहुंचा कमिंस, किसी ने लुक आफ्टर नहीं करा, मतलब एज ए नॉर्मल वो बंदा गया। तो वहां कंडीशन ऐसी है, वहां क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को बस स्पोर्ट्स की तरह अहमियत दी जाती है, हमारे मुल्कों में एशिया में पूजा जाता है भाई, सीधी सी बात है। तो ये मैं इस चीज को नहीं मानता मेरे भाइयों कि विराट कोहली को T20 से हटा दें और रोहित को हटा दें, अय्यर को कप्तान बना दें, राहुल को कप्तान बना दें, क्या बेवकूफ हो गए हो क्या यार, जो आप इस तरह के सवाल भेजते हैं, बेकार चीज है। आपने अगर रोहित को या विराट कोहली को, चले बोल देता हूं इन दोनों को भाग करना ना T20 से, तो दूसरी टीमों को फायदा हो जाएगा, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो चाहे साउथ अफ्रीका हो। भाई अभी ये बच्चे एशिया में परफॉर्म करके जा रहे हैं ना, जब ये ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड में परफॉर्म करेंगे फिर देखी जाएगी। तो अभी ये बातें सोचना भी बेकार है, सोचना भी नहीं। हाँ हमारे मुल्क में आया था एक जुमला आया था, बाबर आजम को कप्तानी का हटाने का सोचना भी नहीं ना, तो वही जुमला मैं रिपीट कर देता हूँ कि विराट के बगैर और रोहित के बगैर सोचना भी नहीं कि इंडियन टीम ऊपर आ जाए। ये तो इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, इन्होंने वो काम करा जो एक क्रिकेटर ही जानता है, जो स्टार्ट दे दिया रोहित ने 10 ओवर का, चाहे 70 रन बनते हैं चाहे 80 रन बनते हैं, गिल को उसका फायदा हुआ, और जो अपना अपना रोहित ने जो स्टार्ट दिया, और विराट ने जो नीचे जाके लड़कों को खिलाया, अय्यर को खिलाया, राहुल को खिलाया, तो क्या वो खेल पाएंगे जब विराट नहीं होगा, नहीं खेल पाएंगे मेरे भाई। तो ये वो सवाल थे जो आपके वो मैंने जवाब दे दिए। अब इंशाल्लाह कल मैच के बाद मिलते हैं, इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नाइट।